पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के डोमाहानी में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15633 की 12 बोगिया शाम के करीब 5 बजे पटरी से उतर गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं अब तक 3 लोगों की इस ट्रेन हादसे में दर्दनाक जान चली गई है। सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन समेत जिला के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे के शिकार लोगों को ट्रेन की बोगियों से निकालने के बाद स्थानीय अस्पतालों में भेजा जा रहा है। घटना गुरुवार शाम करीब 5:15 बजे की है। ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गयी। इनमें सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। इनमें से एक डिब्बा पानी में उतर गया है। जो डिब्बा पानी में उतरा है उसमें फंसे यात्रियों को निकाला जा रहा है। इस ट्रेन का पास के किसी भी स्टेशन पर ठहराव नहीं था। ये ट्रेन इस इलाके से गुजर रही थी। NDRF समेत स्थानीय बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। लोगों को बचाने का काम शुरू हो गया है। हादसे में घायल यात्रियों को इलाज पहुंचाने के लिए 50 एम्बुलेंस घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं सिलीगुड़ी से रिलीफ ट्रेन भेजी जा रही है। उत्तरी बंगाल के मेडिकल कॉलेज अलर्ट पर है। सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को जल्द रिपोर्ट करने को कहा गया है। ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। दरअसल ममता बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना के हालातों पर पीएम मोदी से बात कर रही थी। रेलवे की ओर से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि शाम के करीब 5 बजे 15633 ट्रेन पटरी हो गई। 12 कोच ट्रैक से उतर गए। DRM और SDRM घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। ट्रेन हादसे में बचे यात्रियों का कहना है कि झटका लगने के बाद ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई। एक यात्री ने कहा कि अचानक से झटका लगा और ट्रेन की बोगी पटरी से पलट गई। ट्रेन के 4 से 5 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद दिल्ली से कई रेलवे के आला अधिकारी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं। देर रात ये अधिकारी हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे। वहीं NDRF की 2 टीमें भी घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। इस हादसे के बाद हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए। कमिश्नर रेलवे ने सेफ्टी जांच की बात कही है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते हैं और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से अमन की रिपोर्ट।